आखिर कौन है रावण के पैर के नीचे दबा नीले रंग का आदमी? दोस्तों, अपनी शक्तियों के बल पर रावण किसी को भी अपने वश में कर सकता था। अगर आपने रामायण कभी गौर से देखी हो तो रावण के सिंहासन के पास उसके पैर के नीचे एक नीले रंग का शख्स लेटा दिखाई पड़ता है। क्या आप जानते हैं रावण के पैर के नीचे दबा यह शख्स आखिर कौन है? क्यों रावण इस पर हमेशा पैर जमाए बैठा रहता है? इसके पीछे छिपा रहस्य जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। ज्योतिषविदों के जानकारों का कहना है कि रामायण में रावण के पैर के नीचे नीले रंग का जो शख्स दिखाई देता है वो और कोई नहीं बल्कि न्यायदेव शनि है। शनिदेव रावण के सिंहासन के ठीक नीचे पैरों की जगह उल्टे लेटे दिखाई पड़ते हैं, जहां रावण उनकी कमर पर पैर रखकर बैठता था। पर रावण ऐसा क्यों करता था और शनि कैसे उनके पैरों में नीचे आ गई, इसकी भी एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक मायावी राक्षस था। तंत्र मंत्र की सिद्धियों ने उसे महान विद्वान और बड़ा ज्योतिष बना दिया था। इन्हीं शक्तियों के बल पर रावण ने सभी 9 ग्रहों को वश में करके अपने पास बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों तले रखता था। ऐसा करके वो अपने पुत्रों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित करता था। इन ग्रहों में नीले रंग में पुरुष की आकृति में नजर आने वाले शनिदेव ही है। शनिदेव के मुक्त होने की भी कहानी है। दोस्तों, जब हनुमान जी लंका में गए थे तब उन्होंने लंका दहन के वक्त शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त करवाया था। इससे पहले नारद मुनि ने रावण को अपनी बातों में फंसा कर शनिदेव को जेल में शिफ्ट करवा दिया था, लेकिन रावण ने शनि को कारागृह में डाल दिया और जेल के द्वार पर इस प्रकार शिवलिंग लगा दिया कि उस पर पाव रखे बिना शनिदेव भाग ही नहीं सके। इसके बाद हनुमान जी ने लंका आकर शनिदेव को अपने सर पर बिठाकर मुक्त कराया था। उनको यह वरदान पहले मिल चुका था कि शनिदेव को हनुमान जी मुक्त करवाएंगे। दोस्तों, ऐसी कई कहानियों में कहा जाता है कि रावण ने काल मृत्यु आदि को भी अपने वश में कर लिया था, इसलिए कई लोग इस व्यक्ति को इनसे भी जोड़कर देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।